अब हम ऐसी खबर पर बात करेंगे जिससे उम्मीद है कि आप भी परेशान हुए होंगे, हम भी परेशान हूं। इन दिनों झारखंड के भूमिहीन एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है। क्यों? यूं तो सरकार द्वारा उनके लिए सैकड़ों की संख्या में योजनाएं लागू की जाती हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ हासिल करने के लिए उन्हें जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, जो कि बेहद जरूरी है। लेकिन ये दोनों प्रमाण पत्र भूमिहीनों को फिलहाल निर्गत नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि नियमों की पेचीदगियां इतनी ज्यादा हैं कि ये जो लोग आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, वो बस चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, और ये सिस्टम चलता रहता है। एक रिपोर्ट देखिए। एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा सैकड़ों योजनाएं लागू की गई हैं, लेकिन इनका लाभ वास्तविक वंचितों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय से भूमिहीन एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए जाति और आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जा रहे हैं। जाति और आवासीय प्रमाण पत्रों के लिए भूमि से संबंधित दस्तावेजों की अनिवार्यता कर दी गई है, जो भूमिहीनों के पास है ही नहीं। पत्र, आवास प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा। हम लोग भूमिहीन रहने के कारण हम लोगों के पास 1932 का खतियान नहीं है, लेकिन अगर पता लगाइएंगे तो हम लोगों के पूर्वज यहाँ 1836 से रह रहे हैं। हमारा पुराना मोहल्ला वाल्मीकि नगर है, और आज भी आप पता लगा लीजिए कि नगर निगम शुरू नहीं हुआ था, तब से लोग वहाँ काम करते आ रहे हैं। और अब जाति प्रमाण पत्र का ऐसा मामला हो गया कि हमारे भी बाल बच्चे कंधा से कंधा मिला करके चलने खोज रहे हैं समाज में, पढ़ना लिखना चाह रहे हैं, और वो जब पढ़ना लिखना चाह रहे हैं, एक तरफ सरकार बोल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, हम लोग किस प्रकार से बेटी को बढ़ाएं, किस प्रकार से पढ़ाएं, और मैट्रिक कर करके बीए कर करके लोग बच्चे लोग बैठे हुए, उनका एडमिशन नहीं हो। नियम इस कदर जटिल है कि उन्हें समझना अच्छे अच्छों के वश की बात नहीं। कार्मिक विभाग की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक भूमिहीन जाति और आवासीय प्रमाण पत्र के लिए वार्ड समिति की अनुशंसा प्रस्तुत करेंगी, जबकि राज्य में कहीं भी वार्ड समिति अब तक गठित ही नहीं है, और शायद इसका गठन संभव भी नहीं है। कारण बताते हैं रांची नगर निगम के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय। कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बने, एक बहुत टेढ़ी खीर होगी। ओबीसी के लिए 1978 के पूर्व का पेपर दिखाना होगा जमीन का, तब उसका बनेगा कास्ट सर्टिफिकेट उस राज्य का। एसटी एससी के लिए 1950 के पूर्व का पेपर दिखाना होगा, तब उसका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। अब जो दुर्भाग्य से जिनके पास जमीन नहीं, उदाहरण स्वरूप रांची शहर में बहुत बड़ा वर्ग एक वाल्मीकि समाज का रहता है, उसके प्रतिनिधि मंडल लगातार संपर्क में है कि हम लोग आए थे रांची झाड़ू लगाने, बाथरूम साफ करने और शौचालय साफ करने, और हम लोग तो जमीन लेके नहीं आए थे, जमीन है नहीं हमारे पास, हमारा कैसे कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। बहुत प्रयास किए गए हैं, लगातार इस पर कम्युनिकेट सरकार से हुई है, सभी पदाधिकारियों से हुई, लेकिन अभी तक समुचित हल नहीं निकला। झारखंड में नियम कुछ इस कदर जटिल हैं जो लोगों के जीवन को सुगम बनाने की जगह से और ज्यादा कठिन बना देते हैं। फिलहाल झारखंड के भूमिहीन एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग इसी दंश को झेलने को मजबूर हैं। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन हेमंत के साथ आकाश भार्गव की रिपोर्ट। और आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करेंगे आकाश का। मुझे यकीन है, एकदम दावा है, यकीनन ये एकदम तय है कि हर शख्स एक ना एक बार इस आवासीय और इस जाति के चक्कर में जरूर पड़ता है, और जब कोई शख्स इसके चक्कर में पड़ता है तो वो सिर्फ चक्कर काटता रह जाता है। आप अंचल कार्यालय जाएंगे, आप नगर निगम जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे, लेकिन आप चक्कर काटते रह जाएंगे। आकाश, सबसे बड़ी बात है तकनीकी पक्ष इसको समझिए कि अगर आप भूमिहीन हैं, आपके पास जो यहां पर क्राइटेरिया बताया जा रहा है कि वार्ड समिति की तरफ से अगर अनुशंसा मिलेगी तो उसके बाद आवासीय और जाति प्रमाण पत्र बनेगा, तो उस लिहाज से तो अगर आप भूमिहीन हैं तो हुजूर आपका तो जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनेगा नहीं, आपका जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनेगा नहीं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब ले देखे सीए और एनआरसी का जो विरोध हो रहा था कि हम कहां से ढूंढेंगे कागज, कहां से ढूंढेंगे कागज, ये तो चक्रव्यूह कुछ उसी तरीके का, कुछ बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आता है। जी हाँ, देखिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार की तस्वीरें हमें देखने को मिली, सचमुच कह सकते हैं कि एक
विचित्र सी स्थिति झारखंड में देखने को मिल रही है, खासतौर से शहरी इलाकों की यदि बात करें तो वहां पर यह विचित्रता कुछ ज्यादा ही दिखाई देने को मिलती है, जहां जाति और आवासीय प्रमाण पत्र के लिए कुछ ऐसे कानून बना दिए गए हैं जो जिन्हें पूरा कर पाना शायद आम लोगों के वश की बात नहीं है। जैसा कि हमने अपनी इस रिपोर्ट में अपने दर्शकों को भी दिखाया कि एससी एसटी के लिए 1950 से पहले के भूमि से संबंधित दस्तावेज, मैं यहाँ जोर देकर कहूंगा दस्तावेज, खतियान नहीं, और फिर जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनके पास 1978 से पहले के जमीन से संबंधित दस्तावेज, यहाँ भी खतियान की आवश्यकता नहीं बताई जा रही है, ये होना अनिवार्य है तभी जाकर के जाति या आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किए जा सकते हैं। इन दोनों के नहीं होने की स्थिति में, यानी ये दोनों होंगे किनके पास नहीं, उन लोगों के पास जो भूमिहीन है, तो भूमिहीनों के लिए क्या प्रावधान है वह समझना भी बेहद जरूरी है। भूमिहीनों के लिए प्रावधान यह है कि यदि स्थानीय वार्ड समिति अनुशंसा करके देती है तो उस अनुशंसा के आधार पर स्थानीय प्रशासन द्वारा उन्हें जाति और आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाना है। लेकिन अब बात आती है वार्ड समिति पर, वार्ड समिति कौन और कैसे, आज तक झारखंड में वार्ड समितियों का गठन ही नहीं हुआ, वार्ड समितियों के गठन में कई प्रकार की समस्याएं हैं। पहले तो वार्ड समिति के गठन की बात कह दी गई, लेकिन स्थानीय निकायों को पता ही नहीं था कि वार्ड समिति होती क्या है, इसका गठन कैसे किया जाएगा। काफी पत्राचार करने के बाद उन्हें यह जानकारी दी गई कि उन्हें अपने वार्ड के 4-5 लोगों को चुन करके एक वार्ड समिति का गठन करना है जो उसी वार्ड के हों और उन्हीं की अनुशंसा पर ये जाति और आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। अब लोगों के पास ये कोई मानदंड, निर्धारित मानदंड नहीं था, गाइडलाइन नहीं थी कि किसे चुना जाए और किसे छोड़ा जाए। फिर से पत्राचार का सिलसिला शुरू हुआ, काफी लंबे अरसे तक पत्राचार होते रहे। इसके बाद सरकार की ओर से यह निर्देश दिया गया कि स्थानीय निकाय 4-5-6 बूथों को मिला करके बाकायदा इलेक्शन कराएंगे, जिस तरह से पार्षदों का चुनाव होता है उसी प्रकार से वहां पर एरिया मेंबर का चुनाव किया जाएगा, स्थानीय सदस्य का चुनाव किया जाएगा, जो बाकायदा पार्षद की ही तरह सीधे सीधे जनता द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे, और ये जो निर्वाचित होकर के आएंगे ये लोग मिलकर के स्थानीय वार्ड समिति का गठन करेंगे और यही वार्ड समिति अनुशंसा करेगी तो फिर जाकर जाति और आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किए जा सकेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि इससे पहले एक बार ऐसा प्रयास किया गया रांची नगर निगम के स्तर से कि एरिया मेंबर्स का चुनाव किया जाए, इसके लिए जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की गई, बाकायदा इसके लिए इच्छुक लोगों से आवेदन आमंत्रित किए गए, जिसे कहा जाता है कि नामांकन आप भरें, नामांकन प्रपत्र दाखिल करें, लेकिन 53 में से 7-8 वार्ड को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी लोगों ने इसमें इच्छा नहीं दिखाई, रुचि नहीं दिखाई, यानी कि ज्यादातर वार्डों में लोगों ने नॉमिनेशन के लिए नामांकन पत्र तक नहीं खरीदा। जाहिर सी बात है कि जो सरकार की योजना थी वार्ड समिति गठन की वह वहीं पर टाइटा फिस हो गई, और यह इतनी जटिल प्रक्रिया है कि शायद मौजूदा स्थिति में इस प्रक्रिया को पूरा कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, किसी भी स्थानीय निकाय के लिए संभव नहीं है। ऐसे में न तो एरिया मेंबर्स का चुनाव होगा और न ही वार्ड समितियों का गठन होगा, और जब वार्ड समितियां गठित ही नहीं होंगी तो अनुशंसा करेगा कौन, और अनुशंसा होगा नहीं तो फिर जाकर भूमि होने का जाति और आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जा सकेंगे, लिहाजा उन्हें न तो नौकरियां मिलेंगी, न ही शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त होता है वह लाभ प्राप्त हो पाएगा। इस प्रकार से कह सकते हैं कि मौजूदा दौर में आज की तारीख की यदि बात की जाए तो यह मामला इस कदर पेचीदा हो चुका है कि करोड़ों की संख्या में लोग, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी एससी एसटी और ओबीसी की है जो भूमिहीन है, तो लाखों की आबादी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, कईयों के उम्र बीत जा रहे हैं, कईयों जो नौकरियों के लिए हैं या फिर पढ़ाई के लिए, कईयों की पढ़ाई रुक गई है, तो इस प्रकार से एक विचित्र सी स्थिति है जैसा कि मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं, और शहरी इलाकों में यह विचित्रता कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है, क्योंकि यदि ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां मुखिया होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं, इन लोगों के प्रयास से जो है कुछ किया जा सकता है, लेकिन शहरी इलाकों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और इसका खामियाजा आम लोग भुगतने को मजबूर हैं। बिल्कुल आकाश, सही बात है, और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। चलिए शुक्रिया आकाश, चूंकि एक बहुत महत्वपूर्ण मामले से आपने अवगत कराया, एक बहुत ही टेक्निकल जो समस्या है उससे आपने अवगत कराया, चूंकि सरकारी योजनाएं तो बन जाती है लेकिन उन योजनाओं के फायदे के लिए
जिन सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है उसके लिए एक आदमी को कितना घेसना पड़ता है और उसके बावजूद फिर उसे ये चीजें नहीं मिलती, तो योजनाओं का फायदा कैसे मिलेगा, ये सरकार को सोचना चाहिए। इसमें आसान इस तरीके इस प्रोसेस को आसान करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।